नमस्कार, मैं हूँ आरती परब, एए प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। तरुण तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म मामले में 7 अक्टूबर से सुनवाई। दिल्ली में उच्च अमोनिया स्तर के कारण 2 जल उपचार संयंत्र बंद। कश्मीर में बच्चों की अवैध हिरासत का मामला संविधान पीठ को भेजा। INX मीडिया मामले में चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज। फारूक अब्दुल्ला की रिहाई की मांग वाली वाइको की याचिका खारिज। CBI के 200 से अधिक कर्मियों का स्थानांतरण। अयोध्या मामले में रामलला मध्यस्थता प्रक्रिया से अलग। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन को AFT का अध्यक्ष बनाने की अनुशंसा की। पटना में जाल जमाव पर राजनीति, जाप प्रमुख पप्पू ने बांटी राहत सामग्री। मारडू प्लेट्स गिराए जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले में शनिवार को भी कर सकता है कार्रवाई का संचालन। न्याय पदयात्रा में जितिन प्रसाद सहित कांग्रेस के कई नेता नजरबंद। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े, कच्चा तेल नरम। प्याज निर्यात पर प्रतिबंध से नाराज किसानों ने नासिक में रोकी नीलामी। शोले के कालिया का 78 साल की उम्र में निधन।